संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव में भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति द्वारा होली के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में भगवान राधा कृष्ण भक्तों के संग होली खेलने शहर के विभिन्न मार्गों में निकले। शोभा यात्रा में शहर के सभी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि भी शिरकत की। शोभा यात्रा में पूर्व सांसद और छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव राजनांदगांव महापौर ने होली खेली। उन्होंने सभी को होली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। राजनांदगांव से निमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। श्री सत्यनारायण मंदिर के द्वारा हर साल ये होली के दिन यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं होता है, स्वयं लोग आकर के इसमें जुटते हैं और ये हमारे पर्वों को और आकर्षक बनाता है और राजनांदगांव शहर में सद्भाव का संदेश देता है। मैं सभी को होली की अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। होली का त्यौहार है, आज सभी राजनांदगांव वासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि बस रस खोलो तो होली का प्रेम खोलो तो कृष्ण भगवान की तरह और सब मिलजुल कर मनाए। आपसी मन के द्वेष को खत्म करके हम सब प्यार के साथ रंग उत्सव को मनाओ, यही प्रार्थना है सबसे भगवान से। यही देखिए, हर वर्ष की तरह इस बार भी होली का जो यह त्यौहार है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और राजनांदगांव नगर की हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, यहाँ राधा कृष्ण मंदिर से हर वर्ष की तरह शोभा यात्रा भी निकाली जाती है जिसमें शहर के सारे वर्ग के लोग उस यात्रा में शामिल होते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं।